हेलो DIY निया फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। चलिए आज हम अपने कप नूडल्स के वेस्ट बॉक्स से कुछ क्राफ्ट बनाते हैं। ये देखिए, ये दो एक जैसे बॉक्स हैं, एक का बॉटम हम कट कर देंगे। इसको कट करते हुए थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है। नाइफ़ यूज़ करते हुए हमेशा थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे करते हुए हम इसको कट कर देंगे और जो आउटर पे इसके पेपर है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये एक प्लास्टिक कंटेनर इसमें से हमें मिलेगा। अब हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा ग्लू गन हम इसके ऊपर से भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और थोड़ा स्टर्डी बन जाए। ये ऐसे लगेगा कुछ। अब हम न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसीज लेंगे और फेविकोल और पानी के मिक्सचर से इसको इस पर स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो आप बाहर से भी परचेस कर सकते हैं प्लांटर्स, लेकिन क्या है कि जब आप अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, भले ही उतना परफेक्ट नहीं बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं अपना घर सजाने के लिए, बच्चों का रूम सजाने के लिए, है ना, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। जब जो भी उसका आउटपुट रहता है उसे देख के हमें एक अलग ही खुशी होती है, मुझे तो होती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब आप अपना कोई भी क्राफ्ट या कुछ भी वर्क करते हैं और वो अच्छे से फिनिश हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है। ऐसे करते हुए इसको पूरा कवर कर लेंगे और थोड़ा इसको सन ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम वाइट और ब्लू एक्रिलिक कलर को मिक्स कर लेंगे और एक फोम की हेल्प से इसको इस पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। आप कलर को थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। गाढ़ा कलर करने से ये रहता है कि एक ही बार में अच्छी कलरिंग आ जाती है। अब हम इसमें लगाने के लिए कुछ फ्लावर्स बना रहे हैं, उनके ऐसे आपको टोटल अपनी फिंगर्स पे 25 टाइम्स इसको लपेटना है। ये देखिए कुछ ऐसा रहेगा। अब हम एक वायर लेंगे और इसके सेंटर में रखते हुए इसको मोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे कुछ, और उसका जो कॉर्नर था उसको दबा दीजिए। अब हम ग्रीन कलर की वूल से इसके नीचे की साइड इसको सिक्योर कर देंगे। आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसी कलर के फ्लावर्स चाहिए थे इसलिए मैंने ये वाले दोनों कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इसी में लाइट, इससे भी डार्क, या फिर कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे तैसे रहने दीजिए, मैं इसको थोड़ा कट कर रही हूँ और फिर इसको इवन कट कर लीजिए। ये देखिए प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया है। ऐसे ही हमने कुछ और भी रेडी करके रखे हैं। अब हमारा ये वास भी सूख गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। मैं डेजी के फ्लावर्स बना रही हूँ, आप अपनी पसंद से इस पर और भी कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें, मंडाला आर्ट या और जो भी आपको अच्छा लगे, पोल्का डॉट्स, वो सब आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। और बीच में इनके सेंटर में दूसरे कलर से स्टैम्प्स बना देंगे। ये देखिए कुछ ऐसा लगेगा। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला क्राफ्ट हम क्या बनाएं। जब आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ऐसे इसको हैंग करने के लिए इसमें वायर इंसर्ट करके एक हैंगिंग प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे ही वॉल पे रखने के लिए नॉर्मल प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इजीली रिमूवेबल हैं ये सब वायर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चाहे इसको टांग दीजिए और जब चाहे इसको नॉर्मल प्लांटर की तरह यूज़ कीजिए। ये मैंने
आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें पानी डाल के मनी प्लांट लगा सकते हैं, थोड़ा सॉइल डाल के, कुछ भी आप अपना डेकोरेशन के लिए।